बस ये ऐसे ही हालत में समझ में आता है कि कुछ भी कर लो रात में मोबाइल कैमरास धोखा दे देती है। लेकिन रिसेंटली हो एपल इवेंट में सब कुछ एंटायरली फोन से लिया गया है। रात में हाँ, उसके साथ लाखों डॉलर्स के लाइट सेट डिजाइनिंग एंड मेनी मोर, बट ये सारी चीजें बाहर कैसे मिलेगा, है ना? दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द डार्क। मॉडर्न अमेरिका की बात नहीं कर रहा, जब तुम कोई भी फ्रेम सेटअप करोगे तो क्रिटिकल थिंग है हाउ यू आर सीइंग द फ्रेम। सिनेमाटोग्राफी का दो की चीज है, वन फिलिंग द फ्रेम एंड द सेकंड रिमूविंग फ्रॉम इट। मोबाइल के लिए भी सेम, बट जितना हो सके सॉफ्टर ग्लो सॉफ्ट लाइट से फिल करना जिसे ही बाहर खोजना है। अब फ्रेमिंग का ना कुछ स्टाइल्स होते हैं, लाइट से भरा, ऑब्जेक्ट से भरा, सिंपल क्लोजअप, सिंपल वाइड सिमेट्रिकल। स्टाइल्स के फ्रेमिंग या स्टाइल्स के शॉट्स मोबाइल में बहुत अच्छे लगते हैं, बट प्लीज रात में ब्लर के पीछे मत भागो। ब्राइट नेचुरल लाइट के अलावा ये जो प्रोसेस्ड मोबाइल ब्लर होता है वो रात में बहुत चाइनीज लगता है, जिसलिए एप्पल वालों ने खुद अपने सिनेमैटिक मोड यूज नहीं किया है। बस दो चीजें, फ्रेम में कोई सॉलिड ह्यूमन कैरेक्टर हो जिसका बैकग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा सेपरेशन हो, और कलर्स का सेपरेशन। नाइट में कलर्स का एक अलग वाइब होता है, सेपरेशन होता है, नोटिस दैट, ऑब्जर्व दैट। बट सबसे बड़ा चैलेंज एटलीस्ट मेरे लिए है, मोबाइल कैमराज हैव नो कैरेक्टर्स। सिनेमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात ही छोड़ो, रात में ना कोई भी वार्मर टोन के लाइट्स को पूरा न्यूट्रलाइज दबा देता है कलर्स। हाँ आई नो, ये जनरल पब्लिक के लिए डिजाइंड है जो वोट देते हैं, जिन्हें कलर्स का सेंस है नहीं उतना स्क्रीन में मैनिपुलेशन की बिना। बट अगर सच में गुड रियल मोबाइल सिनेमाटोग्राफी करनी है तो यू नीड फुल मैनुअल कंट्रोल। एंड्रॉइड्स के लिए ओपन कैमरा फिल्मिक प्रो जैसे ऐप्स हैं। आई एम यूजिंग फ्री ब्लैक मैजिक कैम, क्योंकि एप्पल वालों को खुद अपने स्टॉक ऐप से ज्यादा इस पे भरोसा है। एंड यू नो मैजिक हैपेंस व्हेन यू कैन क्रिएट कलर्स इन कैमरा। बेस्ट पार्ट आई हैव नोटिस्ड कि ऑलमोस्ट हर ऐप पे वो जो पोस्ट एक ओवर शार्पनिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है। एप्पल इवेंट का वीडियो नोटिस करोगे तो पता चलेगा दे हैव टू मेन थिंग्स। एक तो है सेट डिजाइन, द फ्रेम्स आर फिल्ड विद ऑब्जेक्ट्स कलर्स लाइट्स थ्रू आउट एवरी कॉर्नर ऑफ द फ्रेम। एंड द सेकेंड, ये सारे चीजें मिला के जो होता है द एटमोसफियर। एटमोसफियर में भी तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, इट्स द बिगेस्ट की टू ग्रेट मोबाइल सिनेमाटोग्राफी एट नाइट। बट यही एटमोसफियर मैं अपने वीडियोस में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तुमने अगर मेरे रिसेंट वीडियोस के विजुअल्स का म्यूजिक डिजाइनिंग नोटिस किया है तो यू विल नो। अब क्या होगा अगर ऑल ऑफ माई बैकग्राउंड म्यूजिक तुम अपने मोबाइल में फ्री में डाउनलोड कर सको। एडिट के वक्त ही मैं जेन्युइनली एपिडेमिक साउंड को तुम्हें यूज करने के लिए बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं, और इस बार तो इनका कुछ स्पेशल है। अगर तुम्हें सच में अपने मोबाइल सिनेमाटोग्राफी को यूनिक करना है जो लोग लास्ट तक एक्चुअली बैठ के देखे, तो जस्ट ट्राई देयर वैरायटी। मेरे वीडियोस लाइक सेम फील का बट अलग रिदम का म्यूजिक तुम्हें साउंड मैच से मिल जाए। सिनेमैटिक स्कोर्स जैसे प्लेलिस्ट तुम्हें वो एक्चुअल मूवी का थीम जैसा एग्जैक्ट ट्रैक्स दे देगा। यस ऑल कॉपीराइट फ्री, यस नो क्लेम्स का इशू एवर, यस थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स, यस मोबाइल में ही, यस द हाईएस्ट क्वालिटी, यस द बेस्ट म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स फॉर क्रिएटर। बट इस बार ये लिटरली 2 मंथ्स फ्री दे रहे हैं अगर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके साइन अप करोगे विद अ पर्सनल प्लान। प्रॉब्लम, दिस इज ओनली वैलिड फॉर 5 डेज, उसके बाद नॉर्मल जैसा होता है 1 मंथ फ्री वो मिल ही जाएगा। बट मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके साइन अप करोगे तो, एंड यस ऑल द ट्रैक्स यूज दैट टाइम विल बी कॉपीराइट फ्री फॉरएवर इवन इफ यू कैंसिल। एक बार एक्सपीरियंस करो, कभी कैंसिल नहीं करोगे, आई बेट। नाउ मेरा एक और गारंटी है, इफ यू कैन फिगर आउट दिस एटमॉस्फियर तो जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। आंखों में इन फ्रेम अगर डेप्थ का सेपरेशन या लेयर्स नजर आ रहा है देन दैट्स विजुअल एटमॉस्फियर। ब्लर्स, फेक ब्लर से नहीं, एक्चुअल सॉफ्ट लाइट्स और कलर्स से, द डेंसिटी फिलिंग द बैकग्राउंड। थोड़ा बहुत फॉग हुआ तो बेस्ट, क्योंकि हर लाइट्स और कलर्स को एक अलग डेप्थ, एक अलग एनवायरमेंट, एक एटमॉस्फियर दे देता है। सिंपल दो वेज है इसके, आइदर क्रिएट एटमॉस्फियर इनसाइड जैसे, और फाइंड इट आउटसाइड। इंडोर में जुगाड़ वाला स्मोक हुआ तो कैसी नाइस टाइट बन जाना वीडियो के लिए चल जाएगा। आउटडोर में ऐसी फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है विच आर फिल्ड विद विजिबल थिक एयर पार्टिकल्स। अब दिल्ली में तो हूं नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत फॉगी वेदर, कलर्स का ग्लूम, स्मोक जैसे चीज मिल जाता है, जिसमें बैक लाइट शॉट्स मोबाइल में बहुत सेक्सी लगता है, थोड़ा एटमोसफियर हुआ तो। बॉक्स
बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद मैंने देखा YouTube पे कि ISO 1250 रखने से सबसे ज्यादा आईफोन के लिए सबसे ज्यादा डायनामिक रेंज आता है। अच्छी सिनेमाटोग्राफी इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस। फ्रेम में कलर्स का जू ना हो कि एक डोमिनेंट उसके साथ एक और दो सेपरेट कलर्स का वेरिएशन, बैलेंस, थ्रिलर मूवी जैसे कलर कॉम्बिनेशन। जस्ट सर्च फॉर एनवायरमेंटल कलर्स का सेपरेशन इन द फ्रेम। एडिट में ज्यादा सेपरेट मत करो, उसके साथ सिंपल ऑब्वियस सी कुछ चीजें लाइक सिंपल लेस मूवमेंट्स, नो यूज ऑफ इनबिल्ट फिल्टर्स, ऑलवेज द प्राइमरी 1x फॉर नाइट्स, अच्छी शक्ल, अलग से लाइट जो कैरी कर सकते हो छोटा, एंड थोड़ा पेशेंस एंड टाइम हजारों गंदे शॉट्स लेने के लिए, तब जाके योर मोबाइल सिनेमाटोग्राफी विल लुक लाइक अ। बट ऑलवेज रिमेंबर, नेवर नेवर एवर ब्लेम योर लोकेशंस फॉर योर बैड शॉट्स, ब्लेम द क्रिएटर्स। हाँ चल चल, आईफोन होता तो मैं भी। Back in my bag and I got a bag of dope. And yes, सारे नाइट का बाहर वाला ए रोल फुटेजेस मोबाइल के हैं। Riley, just that back in my back, flow we back again so highly. Just that back in my back, flow we back to change the climate.